लेट्स कैरी ऑन. सो चैप्टर नंबर 5 सिविक्स पंचायती राज. पंचायती राज हम पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे रन करती है. पहली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो हमारा लोकल गवर्नमेंट होते हैं उस पर हम उसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखते हैं जैसे कि हमारा एक देश है, इस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होंगे, इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे गाँव होते हैं. मतलब गाँव जो है वो बेसिक यूनिट है. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है पूरे देश की वो एक गाँव होता है. तो गांधी जी ने बताया था कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे हर एक छोटा सा छोटा इंसान हो, उसकी बात भी हम लोग माने, उसकी बात भी रखी जाए. तो हमने क्या किया कि विलेज में भी कुछ विलेजर्स जो हैं उनकी बात भी कहाँ से कैसे प्रूफ हो, वो कैसे अपने गांव को एडमिनिस्ट्रेट करें, इसके लिए हमने बिल्कुल लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत का को बनाया. ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दो टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल छोटा लेवल जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी कंट्री की, वो विलेज होती है. तो विलेज को कैसे विलेज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हम देखते हैं. तो कोई भी एक गांव, और एक गांव में ऐसे लोग जो 18 प्लस हैं यानी कि 18 साल से ऊपर हैं, वो सारे विलेजर्स जो होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ठीक है. और हम लोग हर 5 साल पे, हर रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करते हैं, एक सरपंच इलेक्ट करते हैं, एक प्रधान को या फिर एक पंचायत प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसको हम प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, उसको हम हर 5 साल पे इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना. वो सरपंच कुछ उसके पंच होते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए उसके मेंबर्स होते हैं. तो वो जो सरपंच होता है यानी कि पंचायत का प्रेसिडेंट, और जो पंच होते हैं यानी कि जो उसके साथ के मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, इन्हें मिला के हम बोलते हैं ग्राम पंचायत. ये जो है वो है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, सरपंच और पंच. अब जब सरपंच और पंच के साथ ग्राम सभा यानी कि जो ऐसे मेंबर्स जो 18 प्लस हैं, एक गांव में ऐसे मेंबर जो 18 प्लस हैं वो सारे मिल गए, तो ये क्या बन गया, ग्राम सभा बन गई, ठीक है ना. समझ में आया. जो एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे आपको दिख रही है वो कौन सी है, सरपंच है और पंच है. जबकि जो हमारी लेजिस्लेशन वाली बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि जो रूल्स बन रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि रूल्स कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, ये लोग रूल्स बैठ के बनाते हैं, मीन्स ड्रॉ करते हैं कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, उसे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे सरपंच और पंच, ठीक है ना. तो ये होता है ग्राम सभा. जब विलेजेस भी बन जाएंगे इसमें तो ग्राम सभा बन जाएगी, और जब सिर्फ पंचायत यानी कि सिर्फ सरपंच और पंच रहेंगे तो ये क्या है, ग्राम पंचायत है. ग्राम पंचायत में हम सरपंच को इलेक्ट करते हैं, ठीक है. अब एक कहानी दी हुई है उसको पढ़ते हैं आपके रूप में. आज लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इलेक्शन के बाद पहली बार जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग होने वाली है. मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्शन के बाद यानी कि जो सरपंच है उसका इलेक्शन हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, और अब क्या हो रहा है कि पहली मीटिंग होने जा रही है इलेक्शन के बाद. सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं सरपंच के सामने, मीन्स हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमारे गाँव में जिसको हमें ठीक करना है. तो मीटिंग स्टार्ट होती है, मीटिंग में जो एक तीजिया नाम का आदमी है वो पहले उठता है, और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे जो हैंडपंप्स लगे हुए हैं उनका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, और जो कुएँ हैं बहुत वो भी मतलब ख़त्म से हो चुके हैं, तो हमें एक सुरू नाम की रिवर है वहाँ से जाके पानी भरना पड़ता है, जिसके लिए हमारी वुमेंस को बहुत तकलीफ होती है, बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, हम लोग को पानी के लिए कुछ करना चाहिए. तो सरपंच में से कुछ मेंबर होते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम वाटर पाइप जो है हमारे हैंडपंप की उसे और अंदर तक ड्रिल करते हैं, पानी शायद वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, फिर आपको पानी जो है आराम से मिल जाएगा. तो वो बोलते हैं कि इतना एनफ नहीं है, हमें और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए. तो उतनी देर में एक अनवर नाम का आदमी है, अनवर उठता है, वो बोलता है कि मैं मेरे दो ब्रदर से मिलने उसके गाँव गया था महाराष्ट्र में, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ पानी को लेकर कुछ वो लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मीन्स वो लोग पानी को कंजर्व करते हैं, हमने देखा है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ उस टाइप का. तो वो कैसे वो पानी को हार्वेस्ट करते हैं और वापस उसको यूज़ करते हैं, और वही पानी को बार बार यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे से उसको हार्वेस्ट करके रखते हैं. तो जो हमारे सरपंच होते हैं वो बोलते हैं कि अनवर तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, तुम इस पर और सर्च करो, मतलब अपने दोस्त से अपने भाई से और पूछो कि वहाँ पे कैसे
लीड कर रहा है और जो यहाँ पे ग्राम्स बाकी मेंबर्स बैठे हुए हैं, अनवर है, तिजिया है, ये लोग कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अनवर बोलता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे चेक डैम्स बनाए हैं उन लोगों ने और काफ़ी बहुत अच्छे से पानी को संभाल के रखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है कि अब हमारा जो बीपीएल कार्ड है, बीपीएल मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक आदमी एक दिन में कितनी कैलोरी इंटेक करता है इसके बेसिस पे कुछ कार्ड बनाए गए हैं। जिस एक ऐसा कार्ड है बीपीएल जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत गरीब होते हैं, उनको उस गवर्नमेंट जो है ये बीपीएल कार्ड देती है और उन्हें फ्री का राशन मिलता है, यानी कि सस्ते दाम में राशन मिलता है। ठीक है, तो बीपीएल कार्ड में किसके का लिस्ट निकला है, जिसका जिसका भी यहाँ पे नाम है उसके नाम का अनाउंसमेंट यहाँ पे सरपंच जी कर रहे हैं। और जो लोगों ने इसका इसको देखा है कि हाँ कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, कितने लोग अधिक गरीब हैं इस गांव में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सरपंच को सुना रहे हैं बता करके कि ये नाम है इस लिस्ट में जो बीपीएल कार्ड की लिस्ट में है। तो बीपीएल कार्ड की लिस्ट जो है वो फिनिश हो चुकी है बन के और उसके नाम की रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो अब कुछ लोग बैठे हैं आपस में, जब नाम की रीडिंग हो रही है तो दो ग्राम सभा के मेंबर बैठे हुए हैं, वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि खुशखुशाहट कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है इसका सन तो बहुत रिच है, इसका सन तो इसने इसके सन ने तो इसको बाहर से मोटरसाइकिल खरीद के भेजी है और इसने अभी भी नया जमीन खरीदा है, तो ये गरीब कैसे हो सकता है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हो सकता है, इसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं ऐसी कि नेटवर्क का जो है नाम इस बीपीएल कार्ड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वो उसका उसके बेटे ने उसे भी मोटरसाइकिल गिफ्ट की है, उसने अभी लैंड ओन किया है, तो वो कैसे बीपीएल कार्ड में हो सकता है। इतनी देर में जो है जो सूरज मल है वो भी आपस में बातें करने लगता है कि देखो जो बिरजू का नेम है उसका नाम भी यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद भी काफ़ी है सारे लैंड्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि जो लिस्ट है वो गलत बनी है, मतलब कि जो लोग रिच हैं उनका नाम भी पुअर्स में आ गया है और जो पुअर्स है उनका नाम है ही नहीं। अब एक आदमी है जिसका नाम है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जो है वो एक लैंडलेस लेबर है और उसका मुश्किल से वो दो वक्त का खाना निकाल पाता है, उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं है, उसके लिए उसका नाम बीपीएल कार्ड भी नहीं है। ये लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे बैठ के ये बातें कर रहे हैं। तो जो बात ये निकल के आती है कि वो लोग जानते हैं कि एक किसी यहाँ पे एक पंच में एक बैठे हैं, इनका नाम है अमीर चंद। अमीर चंद जो है वो बहुत पहले से सरपंच रह के आए हैं, जमींदार रह के आए हैं, ठीक है ना। जो अमीर चंद है वो जमींदार है। अब जो जमींदार है और जो नेटवर्क मैंने बताया आपको, जिसके फादर जिसके बेटे ने उसके लिए बाइक खरीदी थी, जो नेटवर्क है और जो बिरजू है ये लोग इन अमीर चंद के दोस्त हैं, तो यहाँ पे कुछ घोटाला हो गया है। तो अमीर चंद जो है इन्होंने ज़बरदस्ती इनका नाम जो है इस लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि ये इनके फ्रेंड हैं तो इनको इनके पास पैसे पहले से हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाह रहे हैं कि इनको जो यहाँ पे बीपीएल कार्ड है उसमें नाम मिल जाए और राशन फ्री का मिल जाए। जबकि ओम प्रकाश जिसके पास वो लैंडलेस लेबर है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसका नाम यहाँ पे नहीं आता है। तो सब लोग बोलते हैं यहाँ पे कि एक दूसरे को पिंच करते हैं कि तुम उठो तुम उठो तुम बोलो, क्योंकि सब जो पंच हैं सरपंच जी हैं उनसे डर रहे होते हैं। तो फाइनली जो है नटवर और बिरजू, हाँ तो फाइनली जो हमारे सरोज हैं वो उठते हैं और बोलते हैं कि सरपंच जी हमारे जो ओम प्रकाश है ये तो एक लैंडलेस लेबर है, इसके पास कुछ नहीं है, इसका नाम हमारी लिस्ट में बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। तो सरपंच जो है वो पूछते हैं कि जिस लोग जिन्होंने भी इस लिस्ट का नाम मेंशन किया है, जिन्होंने जिन्होंने सर्वे किया है इसका, वो लोग बताएं मुझे कि ओम प्रकाश का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है। तो जो लोग सर्वे किए होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग ने जब सर्वे किया था तो ओम प्रकाश का घर जो था वो बंद था, वो वापस आएगा तो हम उससे पूछ के इसका नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे मीटिंग हो रही है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक गांव को रेगुलेट करने के लिए, वो यहाँ पे बातें हो रही है। बीपीएल कार्ड में किसका नाम होना चाहिए, पानी कैसे आएगा और भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई हो, तो ये सारी बातें जो है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में होती है। यानी कि अगर ये सरपंच इनके बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो ये सारे ग्राम सभा के मेंबर जो 18 प्लस हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन जो ये सरपंच है और ये सरपंच और ये जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं ये एक ही गांव में रहते हैं, तो इनको तो इनके लिए काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज इनको तुरंत वो लोग 5 साल के बाद इलेक्शन से उन्हें आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी लोकल गवर्नमेंट में जो ये पंचायती राज है या फिर ग्राम पंचायत है इसको बिल्कुल छोटे स्तर का मानते हैं, मीन्स इसको
बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं हमारे देश का कि हर एक छोटा जो गांव का व्यक्ति है, एक गांव का व्यक्ति है, उसकी बात भी हम लोग मान पा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी अपनी बात कहीं ना कहीं रख पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारी ग्राम पंचायत है, इसके 3 लेवल्स होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कोई गाँव जहाँ पे 1000 जनसंख्या है, यानी कि एक गाँव में अगर 1000 लोग हैं तो वो वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है। अगर 1000 से ऊपर लोग हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ग्राम पंचायत रहेगी, होती है, मतलब वहाँ पे ग्राम पंचायत होगी। अगर उससे छोटा गाँव है तो उसको मिक्स कर देते हैं, यानी कि एक ग्राम पंचायत मिल गई और 2 ग्राम पंचायत मिल गई, 3 ग्राम पंचायत मिल गई, ऐसे 3-4 ग्राम पंचायत को मिला करके क्या बनता है, पंचायत समिति बनती है, ठीक है। ग्राम पंचायत जब बहुत सारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्राम पंचायत को मिला लेते हैं, मतलब कि कुछ गाँव की ग्राम पंचायत को मिला लिया हमने और क्या बना लिया, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है, कुछ पंचायत समितियों को मिला करके क्या बनता है, जिला परिषद बनता है, यानी कि पहले सबसे छोटे ये होते हैं, फिर इनके कुछ ग्राम पंचायत मिल गया तो पंचायत समिति बन गया और कुछ पंचायत समिति मिल गई तो क्या बन गया, जिला परिषद बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पंचायती सिस्टम है वो रेगुलेट करता है। सबसे ऊपर ये होते हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रूल्स बनाते हैं कि यहाँ पे इस गांव में कितनी बिजली जानी है, यहाँ पे ये रोड बननी है, और फिर ये इनको बोलते हैं और ये इनको सप्लाई करते हैं। इस तरीके से जो पंचायती वाला सिस्टम है।